Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video, and that will be based on the FCAT 2022 12th February 2022 की first shift में जो GA questions आए थे उसके ऊपर है, ठीक है। जैसे आपको thumbnail से भी पता चल गया होगा, तो यार बिना कुछ time pass किए और ये मैं without editing डालने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप पहले से follow कर रहे हो तो मैं memes थोड़ा fun add करता हूँ, लेकिन ये video थोड़ा urgent है इसीलिए मैं फटाफट ऐसे ही raw video डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज़ टॉलरेट, हाँ थोड़ा मीम्स वगैरह इसमें नहीं रहेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉज आस्क्ड इज फर्स्ट आर्म फोर्स टू रिक्रूट वुमेन बिलो ऑफिसर रैंक्स। सो देखो यार, अगर मिलिट्री पूछा गया है तो आर्मी आएगा, और अगर पैरा मिलिट्री को भी ऐड करते हैं तो CRPF आएगा। CRPF जो 88th बटालियन है वो फर्स्ट रेजिमेंट है जिसको एक वुमेन बेस्ड रेजिमेंट है, ठीक है, जो CRPF की 88 बटालियन है। और आर्मी में देखा जाए तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो पहली बनी थी आर्मी इन द ट्राई सर्विसेज एज वेल एज इन द मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, तो वो आर्मी रहेगी। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि सेकंड 5-year प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था। सो दैट वॉज वेरी फेमस महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू महालनोबिस मॉडल, ठीक है, JN लिख देता हूँ मैं यहाँ। मूविंग अहेड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर है हैदराबाद एंड दैट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इंडिया। ओके, मूविंग अहेड, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के होस्ट कौन होंगे? ऑस्ट्रेलिया। यार मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि देर इज 80% प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो आगे वाले जो भी अटैम्प्ट रहेंगे, जिनके भी 13th और 14th को एग्जाम रहने वाला है कोई भी शिफ्ट में, तो 80% चांसेस ये होते हैं कि जो प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस। जैसे कि अगर यहाँ सेकंड 5-year प्लान मॉडल पूछा है ना, तो यार देख लो 11 5-year प्लान्स क्या है और उनके मॉडल्स क्या है, ठीक है। यहाँ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स पूछा गया है, तो एक आइलैंड भी है, राइट, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, तो उसके बारे में थोड़ा देख लो। यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 देखा है, तो 24 का देख लो, 26 का देख लो, ठीक है, जो अभी रिसेंट कमिंग ईयर्स में जो भी लिस्ट है वो देख लीजिए, ठीक है। गूगल करिए थोड़ा पढ़ाई पे 1-2 घंटा अगर आप और ज़्यादा दोगे ना ये सब क्वेश्चंस पे, तो आपको डेफिनेटली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, ठीक है। मूविंग अहेड, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान दैट इज नूर सुल्तान दैट इज इन अस्ताना, ठीक है। और यार कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया ये भी नया बना है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो यार मैं बता देता हूँ, दैट इज नुसंतारा, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, इसका बस नाम चेंज हुआ है, ये अस्ताना ही है बट इसका नाम उनके लीडर के ऊपर रखा गया, दैट इज़ नूर सुल्तान। नाउ व्हाट इज़ सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमी? यार ये ऑप्शंस मेरे पास है नहीं, तो प्लीज़ गूगल कर लो सेल्फ रिलायंस, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, ऑप्शंस देख के आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, तो गूगल कर लो भाई। मूविंग अहेड, डॉटर ऑफ इल्तमिश की डॉटर कौन है? दैट इज़ राजिया सुल्तान। इसके बारे में और एक याद रखना है आपको इनके बारे में, दैट इज शी इज़ द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत बोल सकते हो आप, दिल्ली सल्तनत की शी इज़ द फर्स्ट वुमन रूलर, दैट इज़ राजिया सुल्तान। नाउ मूविंग अहेड, नोबल पीस प्राइज़ 2021 वो किसको मिला था? मारिया रेजा एंड मित्रिव मुरातव, ठीक है। तो पीस प्राइज़ पूछा गया था, तो आप एक बार इकोनॉमिक्स साइंस जो भी है बाकी साइंस रिलेटेड जो है ना मेडिसिन वगैरह वो सब प्राइजेस भी देख लेना, ठीक है। मूविंग अहेड, गोल्डन ग्रैंड स्लैम विनर कौन है? तो उसका आंसर है स्टेफी ग्राफ एंड शी इज़ द ओनली पर्सन टू एवर विन अ गोल्डन स्लैम, ठीक है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो दैट इज स्टेफी ग्राफ, और वो कौन से ईयर में था? 1988। मूविंग अहेड, दीनी इलाही का फाउंडर कौन है? किसने स्टार्ट किया था दीनी इलाही? दैट इज बाय अकबर, किंग अकबर, एंड देयर वर 15 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग बिरबल, ठीक है। द रॉक इज द निकनेम ऑफ, जो निकनेम्स हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार बस एक सवाल आया, थोड़ा जो GK है थोड़ा सीरियस पैटर्न पे आया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया और पैटर्न चेंज भी हो गया है, तो अगर आपने पैटर्न का देखा नहीं है तो पैटर्न प्लीज़ इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल दिया हूँ तो वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो पैटर्न चेंज के ऊपर मैंने उस पर बात की है, बस 2-3 मिनट का वीडियो कुछ है। नाउ कमिंग टू द निकनेम द रॉक, द रॉक ये WWE प्लेयर है, WWE में इनको द रॉक बोलते हैं, एंड दैट इज़ ड्वेन जॉनसन, जो है ना जो ब्लैड इंसान है, बाल्ड इंसान बोलते हैं जिसको बाल वगैरह नहीं है, वो ड्वेन जॉनसन, कौन नहीं पहचानता यार द जॉक।
इजी था। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पॉलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे CDS में वगैरह आते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें दो तीन स्टेटमेंट्स थे, तो मैंने बस वो स्टेटमेंट तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे जो मिल पाया वो मैंने लिखा हूँ। दैट इज़ मिनिमम एज ऑफ गवर्नर आपको याद रखनी है, दैट इज़ 35, एंड इट इज़ ऑल्सो सेम, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो सेम फॉर प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर ये पूछी जाए तो इनकी भी 35 होने वाली है। नाउ साइना नेहवाल बायोपिक एक्ट्रेस, वो पूछा गया था, दैट इज़ परिणीति चोपड़ा। मैरी कॉम की बायोपिक भी आई थी, उनका वो एक्ट्रेस कौन थी, PC प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। देन कपिल देव की अभी जो बायोपिक आने वाली है, उनके जो एक्टर कौन है, रणवीर सिंह, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ फाइंड आउट करिएगा, ये मैंने बता दिया। और भी क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसके सिमिलर लाइन्स पे क्वेश्चन आ सकता है। देन 14th इज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्यूशन और रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशन नहीं आएगा यार, रिवॉल्ट आएगा, दैट इज केनिंग, एंड ही इज ऑल्सो द पर्सन, आपको याद रखना है, दैट ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। केनिंग, ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कांग्रेस सेशन स्प्लिट, स्प्लिट हुआ था कौन से सेशन में या फिर कौन से ईयर में, ऐसा क्वेश्चन था। सो द ईयर इज 1907, और उसको सूरत सेशन भी कहा जाता है, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब स्प्लिट हो गए थे, ठीक है। मूविंग अहेड, इंडियन नेवी मेंटेनेंस एक्सरसाइज, जो 6 months कुछ उसमें मेंशन किया था क्वेश्चन में, और वो एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान, ठीक है। वो मेंटेनेंस एक्सरसाइज है, वो 6-6 महीनों में होते रहता है, दैट इज़ बिकॉज टू मेंटेन द ऑल द आर्मामेंट, जो भी आर्म्स वेपनरी जो भी उनके पास है, वो मेंटेनेंस वगैरह के लिए वो चल रही है कि नहीं, उसका ठीक ठाक देखने के लिए, देखभाल करने के लिए वो एक्सरसाइज किया जाता है, दैट इज़ इनसाइड द, मतलब इंटरनल इंडियन नेवी एक्सरसाइज होता है, एंड दैट इज़ नेम्ड एज प्रस्थान। मूविंग अहेड, इंडियन नेवी एंड आर्मी रैंक्स को मैच करने कहा गया था, तो यार ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको बस एक बार देख लेना है तो प्लीज़ गूगल कर लीजिए, आपको तीनों इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ये तीनों के रैंक्स बस देख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। मूविंग अहेड, द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन द वर्ल्ड इज, तो ये है बदला प्लांट, दैट इज़ इन बीकानेर राजस्थान, और ये वर्ल्ड में तो यही है, तो इंडिया में भी यही होगा, ठीक है। अगर इंडिया में क्वेश्चन आया था तो बदला होगा, अगर क्वेश्चन आएगा इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो भी क्वेश्चन था, और अगर आएगा तो बदला प्लांट है, ये याद रखना है, दैट इज़ इन राजस्थान स्टेट, ठीक है। राजस्थान स्टेट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, इन एरिया वाइज। मूविंग अहेड, देखनी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म किसका है, सो दैट इज़ गोवा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स आई कैन से, एज वेल एज द न्यूली फॉर्म्ड गोवा। गोवा पे वो ऑपरेशन भी था जिसमें गोवा रिसेंटली फॉर्म हुआ था 1961 में, तो उसका ऑपरेशन का नाम भी मुझे बताइएगा, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन में गोवा लिबरेट किया था हमने, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करिएगा। तो फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे कुछ क्वेश्चन था ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यार उसमें तो बहुत है, और ये तो बेसिक होता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट आपको पता होने चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन है, तो इसमें बहुत है तो मैं मेंशन नहीं करूँगा, जैसे रफेल, तेजस, देन सुकोई MKI-30, फिर बाद में ये है MiG-27, MiG-21, बाइसन, तो ये बहुत सारे हैं यार, तो आप थोड़ा गूगल कर लीजिए ये सब, ताकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ आपका, और सब क्वेश्चंस आपको पता चल जाए। देन 21st इज यंग इंडिया न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, सो इट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। मूविंग अहेड, फर्स्ट क्रिकेटर टू बी गिवन आउट बाय थर्ड अंपायर, तो ये है सचिन तेंदुलकर, ही इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, दैट इज UK। नाउ क्वेश्चन कैन बी, फर्स्ट कंट्री टू यूज क्रिप्टो और टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज अ करेंसी, तो ये क्या बनेगा इसका आंसर, दैट इज एल सेल्वाडोर, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो। मूविंग अहेड, 1857 रिवॉल्ट का रीजन पूछा गया था, दैट वॉज ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड दैट वॉज द आइडिया ऑफ लॉर्ड डेलहाउज़ी। मूविंग अहेड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा गूगल करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और इसका अगेंस्ट इंडिया ने क्या किया था, चाबर पोर्ट ये ईरान में बनाने के लिए हमने हेल्प की थी, ओके। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट हमारा रिपल्सिव एक्शन था, ठीक है, एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज़ बाय चाइना, थोड़ा गूगल कर लीजिए, इस पर स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, ओके। सो आई होप आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इफ देर इज़ एनी क्वेश्चन विच हैज़ बीन मिस्टेकन बाय मी, और अगर कोई भी क्वेश्चन एडिशनल था जो मैंने मिस किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट एवरी वन एल्स इज़ ऑल्सो हेल्प, ठीक है।
So with that, that's Screen Guru for you. And yes, yes guys, I will also share this PDF on our Telegram channel. So if you haven't joined, the link is in the description as well as the bio. Please do join. So I hope this has made this has been useful for you. And जो 13th और 14th को है जिनका एग्ज़ाम, उनको ऑल द बेस्ट. और प्लीज़ ये देख के जाना, इसके रिलेटेड थोड़ा पढ़ भी लेना, ताकि अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको फिर ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने देखा नहीं. ठीक है. So that's it. That's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the very best.